वुमेन इन द टॉप, इस पोजीशन में सेक्स करना ये महिलाओं की पहली पसंद क्यों बनती जा रही है, ये वाली पोजीशन। तो भाई महिलाओं की सोच में परिवर्तन आ रहा है, टाइम बदल रहा है, जनरेशन गैप भी नाम की कोई चीज होती है नहीं होती है भाई। 70 के दशक की जो महिलाएं अपना हेयर स्टाइल बनाया करती थी, वो ऊंचे ऊंचे पफ वाला वो जुड़े, क्या आज की कोई महिलाएं इस तरह का हेयर स्टाइल आपको बनाती हुई, बालों का गजरे सजरे ज्यादा लगाती हुई दिखती है? ओकेजनली चलता है कि आपने गजरा सजरा लगा लिया, वो जूड़ा थोड़ा उठाकर बना लिया, क्या डेली बेसिस पे आपको इस तरह के हेयर स्टाइल देखने को मिलते हैं? पहले तो बहुत ये ट्रेंड में हुआ करता था, अब नहीं है ना। टाइम के साथ लोगों की पसंद में बदलाव आया, उनके खाने पीने के तरीके में बदलाव आया, उनके पहनने ओढ़ने का टेस्ट भी बदला, तो क्या सेक्स नहीं बदलेगा? वो आदि मानव काल का जो पुराने टाइम का जो होता था वो वही रहेगा? मर्दों की तरह वो भी अब अपनी फीलिंग को, अपने जज्बातों को कि कैसे चाहिए, क्या करना है, किस तरीके से करना है, और भली बात ही जानती है, इसलिए वो ज्यादा डिमांडिंग हो चुकी है। देखिए एक टाइम वो भी था, खैर आज भी है, क्योंकि किसी भी मेल फीमेल का जो शुरुआती एक्सपीरियंस होता है, सेक्स को एक्सपीरियंस करने का जो पड़ाव होता है, वो मिशनरी पोजिशन से ही शुरू होता है। अपने शुरुआती दौर के लंबे टाइम तक ये मिशनरी पोजीशन किसी भी मेल फीमेल की फेवरेट पोजीशन में से एक होती है, क्योंकि कंफर्ट बहुत ज्यादा मिलता है, एंजॉयमेंट भरपूर होता है, नए नए दो लोग भिड़े हुए होते हैं, और दूसरी चीज के आलिंगन भरपूर मिलता है, बॉडी टू बॉडी जो कनेक्शन होता है वो ज्यादा महसूस होता है। और अगर कोई फीमेल किसी दिन बहुत ज्यादा आलस से भरी हुई हो, चाहती ना हो कि हाँ मैं कुछ करूं, बस मेरे ऊपर आकर कोई चढ़ जाए, तो उस वक्त तो उसकी यही चाहत होती है, यार मैं मिशनरी में चली जाऊं। लेकिन जब बात आती है एक्सपेरिमेंटल होने की, कि आज उसे सेक्स को सेक्स की तरह से इंजॉय करना है, तो उसके दिमाग में भी ये ख्याल चलता है कि हमेशा मेरे को डोगी बनाए रखता और चढ़ा रहता मेरे ऊपर, आज मैं इसे दिखाऊंगी कि चढ़ते कैसे हैं। तब वो वुमेन ऑफ द टॉप करने का शौक रखती है और करती भी है। तो आजकल इस पोजीशन को ज्यादातर फीमेल करना पसंद करती है, क्योंकि कंट्रोल पूरा उनके हाथ में होता है, स्पीड को वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकती है, कैसे चाहिए, कितना करना है, किस तरीके से करना है, सारा सिस्टम उनके हाथ में होता है, उनके होल्ड में होता है। लेकिन किसी डोमिनेंट फीमेल की ये वाली पोजीशन टॉप प्रायोरिटी में होती है। जैसे किसी मेल का जब तक वो डॉगी पोजीशन में ना करे उसका सेक्स पूरा नहीं होता ना, सेम इसी तरह से किसी डोमिनेंट फीमेल का जब तक वो वुमेन ऑन द टॉप ऊपर से चढ़कर आके ना करे उसका सेक्स पूरा नहीं होता। भले ही जो कंट्रोल है वो किसी फीमेल के हाथ में होता है, लेकिन जो मजा होता है वो मेल और फीमेल दोनों को इसमें बराबर आता है। इनफैक्ट एक मर्द को तो लेटर लेटर वो नजारे भी देखने को मिलते हैं, पेनिट्रेशन वाला नजारा उसे देखने को मिलता है, साथ ही ऊपर से वो जो हसीन नजारा होता है उसकी जो बॉडी का, वो भी उसे देखने को मिलता है, आंखों को सुकून मिलता है। हाँ वो अप डाउन वाला नजारा वो भरपूर उसे देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा है, या इग्नोर तो नहीं कर रहा, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ज्यादातर मेल को क्या होता है कि यार पता नहीं मेरे ऊपर चढ़ी बैठी है, मैं ऐसा करके देखूं तो नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो कुछ लोग इस मूवमेंट को एंजॉय तो करते हैं मन ही मन, लेकिन नजरों से देखना या कुछ बोलना इग्नोर करते हैं, मे बी शाय नेचर के होते हैं या थोड़ा अजीब लगता है उन्हें। देखा जाए तो हर पोजीशन का अपना अलग महत्व है। आपको कौन सी पोजीशन में सेक्स करना पसंद है, किस तरीके से पसंद है, ये आपकी फैंटेसी, आपके डिजायर, आपके मूड को बयां करने में मदद करता है। जैसे अगर आप रिलैक्स मूड में हो, आप नहीं चाहते ज्यादा अफरा तफरी करना, यार अल्टा पलटी करो, उठा पटक करो, बस आराम से लेटे लेटे सारी चीजें हो जाए और मजा बराबर आए, तो ऐसे में आप स्पून पोजीशन ट्राई करना पसंद करोगे, मिशनरी जिसमें लेटे लेटे चीजें हो जाती हैं। हाँ मेल के ऊपर फिर भी थोड़ा सा प्रेशर आता है, लेकिन फीमेल के लिए तो काफी आरामदायक पोजीशन होती है, तो इस तरह की पोजीशन को आप ज्यादा प्रेफर करोगे। इससे आपका मूड ही तो पता लगता है कि हाँ अभी आप रिलैक्स मूड में हो, रिलैक्स पोजीशन ही करना चाहते हो। वहीं अगर आप थोड़ा सा वाइल्ड होना चाहते हो, आप डॉगी पोजीशन भी करोगे, वुमेन ऑन द टॉप भी करोगे, अमेजोन भी करोगे, स्टैंडिंग पोजीशन भी ट्राई करोगे, जिसमें ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लिप होने के चांसेस भी होते हैं, लेकिन आप रिस्क लोगे। आप स्पैंकिंग भी करोगे, खींचा ताने भी होगी दोनों के बीच में, बेडशीट से लेके आपके बाल तक दोनों खराब भी होंगे, एक रफ सेक्स आप इंजॉय करोगे। और कई बार तो लोग अपने एक्साइटमेंट लेवल को बढ़ाने के लिए कुछ ऑनलाइन देख कर करना भी पसंद करते हैं, ये उनके अराउजल लेवल को बढ़ाता है। और कई बार लोग शीशे में खुद को एक दूसरे को देखकर एंजॉय करना पसंद करते हैं, और इसमें कुछ गलत भी नहीं अगर आप ऐसा करते हैं। एक टाइम ऐसा आता है, और ये हर किसी के साथ है, कि उनकी जो बेडरूम लाइफ है उसकी जो गर्माहट होती है एक टाइम पे आके धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। उस पाक को बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ ऑनलाइन देखते हो और आपके अंदर एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ता है और इस तरह की चीजें देख के आप करते हो सेक्स, तो इसमें आखिर गलत क्या है? वो 90s वाला लाइफस्टाइल तो हम वैसे भी नहीं जी रहे ना, एकदम सिंपल साधारण से लाइफ तो हमारी वैसे भी नहीं है।
जितने कॉम्प्लिकेटेड हुई जा रही है उतनी ज्यादा टेंशन है, दिक्कतें, परेशानी बढ़ती जा रही है। पता है जिस तरह के लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, ये स्ट्रेस तो लोगों को गिफ्ट में मिल जाता है, जो कि आपके सेक्स हॉर्मोन्स को धीरे धीरे कम करने लग जाता है। टाइम से पहले आपके अंदर वो जो सेक्सुअल जो प्रॉब्लम होती है, सेक्स से रिलेटेड, चाहे प्रीमेच्योर इजेक्युलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, या अंदर से हॉर्मोन्स, सेक्स हॉर्मोन्स की कमी आ चुकी है, या लिबिडो कम हो चुकी है, अराउजल महसूस नहीं होता, ये सारी दिक्कतें तो आपको 28 से 30 साल की उम्र का आंकड़ा पार करते ही देखने को मिल जाती है। लोग 5 साल में ही बोर हो लेते हैं, एक्साइटमेंट उनको फील नहीं होती, अराउजल महसूस नहीं होता। तो ऐसे में अगर आप अपनी लाइफ में वो स्पार्क बढ़ाने के लिए, अपने बेडरूम की गर्माहट को बढ़ाने के लिए कुछ ऑनलाइन डेट की अगर चीजें करते हो, तो इसमें गलती क्या है? एक दूसरे को देख के वो पहले वाली एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही, वो अट्रैक्शन महसूस नहीं होता, इसका इलाज तो किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। वो आपको जल्दी गिर जाने की दवाई दे देगा, एडवाइस दे देगा, इसके लिए वो दवाई कहां से लेकर आए? इसके लिए तो आपको अपने साथ, खुद के साथ एक्सपेरिमेंट ही करने होंगे ना, अपने बेडरूम लाइफ के साथ। मैं कहां आ गई, मुझे लगा मैं टॉपिक से भटक गई हूँ, दोबारा घूमकर उसी जगह पर आ रही हूँ कि डॉगी पोजीशन और वुमेन इन द टॉप, इन दोनों पोजीशन में सबसे खास बात यह है कि दोनों एक जैसी ही है, दोनों में ही डीप पेनिट्रेशन पॉसिबल है, दोनों में ही मजा दोनों को बराबर आता है। एक में मेल ऊपर से चढ़ के आता है तो दूसरे में फीमेल। दोनों ही पोजीशन में आपके घुटनों का तंदुरुस्त होना बहुत जरूरी है। अगर आपके घुटनों की ग्रीस बरकरार है तो आप इस पोजीशन को, दोनों ही पोजीशन को लंबे टाइम तक एंजॉय कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपकी वही फीमेल पार्टनर जो अब भी आपके ऊपर चढ़ चढ़ कर आने का शौक रखती है, कुछ टाइम के बाद बचती हुई दिखाई देगी, इग्नोर करेगी इस पोजीशन को, यार इसमें नहीं करना, या करना तो ज्यादा देर तक नहीं करना। अभी तो आपको उसके बम को बस हल्का सा सपोर्ट करना होता होगा अप डाउन करते हुए, कुछ टाइम के बाद पूरा बोझ ही आपको उठाना पड़ जाएगा। स्टैमिना वो नहीं रहा, एनर्जी नहीं रही, और घुटनों की जो ग्रीस है उसमें भी कमी आ चुकी है। लंबे टाइम तक अगर आप अलग अलग तरीके की पोजीशन का लुत्फ उठाना चाहते हो तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए भरपूर, खासकर अपने घुटनों का, क्योंकि ये घुटने जो हैं ये बेस है किसी भी काम का। सिर्फ सेक्स लाइफ नहीं, आपकी बेडरूम लाइफ नहीं, आपकी बेडरूम लाइफ के बाहर की एक्टिविटीज का भी। किसी भी पोजीशन को ट्राई करने से पहले आप अपने कंफर्ट लेवल को एक बार जरूर ध्यान रखें कि यार 25 साल पहले जो पोजीशन आप बड़े आराम से कर लिया करते थे, क्या अब वही पोजीशन करने में कंफर्टेबल हो, या थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है? लंबे टाइम तक अपने सेक्स लाइफ का वो भरपूर मजा उठाने के लिए आपका फिजिकली हेल्दी होना, फिट होना बहुत जरूरी है, मेल और फीमेल दोनों के लिए, क्योंकि सेक्स दो लोगों के मिलकर करने की चीज होती है। अगर एक हेल्दी फिट नहीं तो उसका असर दूसरे की सेक्स लाइफ पे पड़ता है। तो दोनों ही अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खाने पीने पर फोकस कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, फिजिकली खुद को फिट रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, कीगल एक्सरसाइज को अपनी फिजिकल एक्टिविटी का हिस्सा बनाइए, खुद को बीमारी मुक्त रखिए, अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लेकर आइए, क्योंकि बेटर हेल्थ इज साइन ऑफ बेटर सेक्स।